इस मैच में जैसे जैसे शाम ढल गई है, दर्शक और भारी तादाद में स्टेडियम में मौजूद हैं। रमन, बिल्कुल, ये एक्चुअली वीर मराठी टीम के लिए होम गेम है जो कि अब खेलेंगी। इस मैच के बाद सामना करेंगे भोजपुरी दबंग्स का। मुंबई हीरोज के लिए होम गेम जो है वो दुबई में होगा। ये गोवा नियोफिक्स सीसीएल पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज एंड पैनासोनिक की एक तरीके से खास बात कर सकते हैं कि हर मैदान में या हर जगह इस मैच को, इस टूर्नामेंट को फैलाया जा रहा है। रंग बिखेरती हुई सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग। अच्छी गेंद यहाँ पर शब्बीर अहलूवालिया की, लेंथ अच्छी थी। और जैसा मैं पहले बात कर रहा था निखिल की, ये एक ऐसा मुझे लगता है स्पेशल टूर्नामेंट है जहाँ पर आप 8 टॉप इंडस्ट्रीज के टॉप स्टार्स, जाने माने सितारे जो है, उनको क्रिकेट खेलते हुए देख रहे हैं। और सीजन में हर लीग के साथ ये बड़ी है लीग, अगर आप हर संस्करण की बात करें। हर सीजन के बाद 4 से 6-8 टीमें आ गई हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में और शायद इंडस्ट्रीज बढ़ सकती है। मैं तो ये सोच रहा हूँ निखिल, अगर पंजाब की फिल्म इंडस्ट्री शामिल हो गई तो सनी देओल किस टीम की तरफ से खेलेंगे? पंजाब की तरफ से ज़रूर खेलेंगे, और साथ में जब बॉलिंग रनअप कर रहे होंगे तो पीछे घूम के कहेंगे, पाजी मैं इस टीम दे टोटे टोटे कर रहा, छड़ा नहीं। बिल्कुल निखिल, कलर की कोई कमी नहीं होगी उसमें, तो बिल्कुल दो राय नहीं हो, लेकिन कलर की अभी भी लीग में कोई कमी नहीं। जी हाँ, दर्शाता है कि किस तरीके से कंपेटिटिवनेस भी है, हंसी मजाक भी है, लेकिन मैदान में जो दो टीमें खेल रही हैं वो जीत की पूरी कोशिश। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग यहाँ पे, डायरेक्ट हिट होता तो शायद थोड़ा सा करीबी मामला हो सकता था। जी हाँ बिल्कुल, आज मुंबई हीरोज की फील्डिंग और कैचिंग बहुत ही बेहतरीन रही है। राजा बेरवानी का जो कैच बाउंड्री रोड पे उन्होंने लपका, लाजवाब। और अब देखिए किस तरह से फुर्ती दिखाते हुए शब्बीर अहलूवालिया, और अगर विकेट पर लग जाती तो निश्चित तौर पर एक और सफलता मिल सकती थी, वापस भेज सकते थे पवेलियन पृथ्वी को शब्बीर अहलूवालिया। मुंबई की टीम हर तरीके से उत्साह से भरी हुई यहाँ पे, लेकिन चिन्ना इस समय सिंगल्स में बिलीव करती हुई, ऐसा लग रहा है कि एक पार्टनरशिप बढ़ाने की कोशिश है और फिर बाउंड्री लगाने की कोशिश होगी। खास बात यहाँ पर यह है कि जानते हैं कि 4 विकेट गिर गए, अगर यहाँ पर 2 विकेट और जल्दी निकल जाते हैं तो शायद मैच से जो चांस है उनका वो और कम हो जाएगा, इसलिए बने रहना चाहते हैं। कब लगभग 17वें ओवर तक गेम को ले जाने की कोशिश है, फिर देखेंगे कि आखिरी बचे हुए 3 ओवर में कितने रन बनाने हैं। शॉर्ट पिच गेंद और उसका लाभ नहीं उठा पाए। 2 अच्छे ओवर या 1 अच्छा ओवर 12-15 रन का, वो एक बारी फिर से पलड़ा बदल सकता है। इस समय ये ज़रूर कहूँगा कि मुंबई की टीम का पलड़ा भारी है, जिस तरीके से विकेट्स निकाले हैं उन्होंने और रनों पे अंकुश लगाया है, लेकिन विकेट्स निकालना ज़रूरी है T20 के मुकाबले में। जैसे मैंने पहले कहा रमन कि एक ओवर पूरा मैच का रुख बदल सकता है। जी हाँ, फिल्म की स्क्रिप्ट बदल सकती है और ये तो रियल लाइफ है। नो रीटेक्स इसके अंदर, और इस ओवर की आखिरी गेंद पे थर्ड मैन की ओर घुमा दिया, और लेकिन 2 रन यहाँ पे मिले 108 4 विकेट के नुकसान पे 15 ओवर के बाद।